गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास टेंथ का आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर फोर स्टार्ट करना है। चैप्टर फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गए थे। लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलीनोमियल सेम बात थी, जिसकी डिग्री, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री वन होती है उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री टू होगी उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, डिग्री टू से मतलब ये है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x, यहाँ पे हम देख रहे हैं हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम पॉलीनोमियल में भी बता चुके थे, तो सेम बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसका हाईएस्ट पावर 2 होगा और उसका जनरल इक्वेशन होगा या स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यही इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इससे हम कंपेयर करके एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए, एक्स का कोफिशियंट बी, कॉन्स्टेंट टर्म सी को हम वेरीफाई करके, हम कंपेयर करके लिख देंगे और उससे सारी वैल्यूज को निकालते जाएंगे जब डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आएगा। आज इंट्रो दे रहा हूँ तो आज तो ज्यादा कुछ बताना नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कैसे कैसे करेंगे, जो आपके सिलेबस में है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके सिलेबस में 3 मेथड्स दिए हुए हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा मेथड है बाय श्रीधराचार्य और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक ही बात है, श्रीधराचार्य और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो हम तीनों मेथड पे डिस्कस करेंगे और वन बाय वन। पहला मेथड फैक्टराइजेशन, जो आप लोग 7-8 से ही पढ़ते चले आए हैं, किसी पे पावर अगर डिग्री 2 है तो उसका कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं फैक्टराइजेशन में, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो इसके 3 मेथड्स हैं, आपको जो पढ़ना है आपके सिलेबस में वो फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड श्रीधराचार्य और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सेम है। तो धीरे धीरे चलेंगे हम अपने सारे लक्ष्य की ओर। आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे ही इजी चैप्टर है, इसमें लास्ट में आएगा आपका डिस्क्रिमिनेंट जब श्रीधराचार्य फॉर्मूला शुरू करेंगे उससे पहले, और उसके बाद आएगा वर्ड प्रॉब्लम, जैसे लीनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका निष्कर्ष निकाल के उसका एक फॉर्म क्या कहते हैं इक्वेशन बनाएंगे, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तब जो आपकी जो वैल्यू आएगी वो एक्स की वैल्यू होगी। तो अभी तो हम बात करेंगे इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बता चुका था मैं पॉलीनोमियल में, सब्सक्राइब करिए जरूर पता चल जाएगा आपको। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था वेरिएबल और कॉन्स्टेंट का कंपोजिशन से जो इक्वेशन बनता है उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 2 होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है, उसको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, होल नंबर होना चाहिए, अगर क्वाड्रेटिक, अगर कोई भी पॉलीनोमियल है तो उस पे पावर होल नंबर, डिग्री उसकी होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो क्या कहते हैं पॉलीनोमियल की रेंज में आएगा। नहीं तो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल होंगे, बट सारे पॉलीनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो सकते हैं, इसीलिए क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे पावर आपका होल नंबर के अलावा फ्रैक्शन और डेसिमल भी हो सकता है। तो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल हो सकते हैं, लेकिन सारे पॉलीनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो सकते। ठीक है, पढ़िएगा मेरे पिछले वीडियोस में, सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए, फैक्टराइजेशन आप पढ़े भी हैं और एक क्वेश्चन पे डिस्कस भी कर लेते हैं, तो ये टॉपिक आज ही खत्म हो जाएगा आपका फैक्टराइजेशन। जैसे कोई इक्वेशन है, सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आप पढ़ते भी आए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6,
ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, चेक कर लेंगे। बिल्कुल, इसकी डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में भी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर क्वेश्चन में देगा कि बाई सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन, तब तो आप बाउंड है कि हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। अगर एग्जाम में मेथड नहीं देता है तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, फैक्टराइजेशन हो, कंप्यूटिंग द स्क्वायर हो, या श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो। अगर मेंशन रहेगा एग्जाम में कि बाई फैक्टराइजेशन ही करना है तो आपको फैक्टराइजेशन ही करना होगा, अगर नहीं आएगा तो कंप्यूटिंग द स्क्वायर, अगर मेंशन नहीं होगा और तो श्रीधराचार्य भी आप यूज कर सकते हो। तो जो भी आप मेथड अप्लाई करना चाहो, अगर मेंशन नहीं है तो यूज कर सकते हो। इसमें हम करते क्या थे, याद करिए, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, एक्स स्क्वायर का टर्म था और जो कॉन्स्टेंट टर्म था, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते थे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू सिक्स क्या आ जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर। इसको दो पार्ट में ब्रेक करना था, तो दो पार्ट में ब्रेक ऐसा करेंगे कि जो ऐड करने पे मिडिल टर्म आ जाए, एक्स वाला टर्म आ जाए। तो 6x² प्लस 6x² को ऐसे दो टर्म में ब्रेक करिए कि प्लस 5x आया, मल्टीप्लाई करने पे प्लस 6x² आया, तो ये हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप बहुत पहले से भी पढ़ते चले आए। देखिए स्प्लिटिंग हो गई इसकी, अब स्प्लिटिंग हो गई तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x² देखिए प्लस 3x और प्लस 2x, प्लस 3x और प्लस 2x ऐड करेंगे तो प्लस 5x, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x² आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन हो गया तो एक्स प्लस 3, 2 कॉमन हो गया तो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। एक बार x प्लस 3 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 3, एक बार x प्लस 2 को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2। जितनी डिग्री उतना सोल्यूशन। पावर 3 होता क्यूबिक इक्वेशन होता तो 3 वैल्यूज मिलते, 3 जीरोस मिलते, 3 रूट्स मिलते, ठीक है। 2 पावर था तो ऑफ कोर्स 2 रूट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन मिलेंगे तो दो ही रूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला मेथड फैक्टराइजेशन। आप सॉल्व करिएगा, फैक्टराइजेशन के सारे क्वेश्चन आपके पास होंगे ही, उसको आप सॉल्व करेंगे, फिर कल से हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे डिस्कशन